अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन अकराम, पेश खिदमत है द मेडिकल लिंग्विस्ट। आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर सैयद आबिद महमूद, जो माहिर अमराज कल्ब हैं। इनके साथ आज गुफ्तगू होगी एस्पिरिन के बारे में, एस्पिरिन के इस्तेमाल की जो हिदायतें होती हैं यूनाइटेड स्टेट्स प्रिवेंटिव सर्विसेज टास्क फोर्स की जानिब से, उनमें तब्दीलियाँ आई हैं, तो इस पर आप हमारे लिए रोशनी डाल सकें। जी बहुत शुक्रिया। अहम मौजू है। एस्पिरिन एक बहुत ही आम दवा है जो मुख्तलिफ हम सब के पेश नज़र से हाँ बहुत सारे इसके मसरफ हैं, फीवर, जॉइंट पेन, लेकिन जो मौजू इस वक्त ज़ेर बहस है वो है एथेरोस्क्लेरोसिस, हार्ट अटैक, स्ट्रोक। इनकी एहतियात कैसे की जाए और उसमें एस्पिरिन का जो रोल है वो क्या है, और एस्पिरिन के कुछ मस्बत कुछ मनफी असरात हैं। लिहाजा हमारी ये जो टास्क फोर्स है इसने अहम हिदायत की अपडेट्स की है। और किन अफराद के लिए ये हिदायत? जी ये प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए ये गाइडलाइंस आएंगे। प्राइमरी प्रिवेंशन का मतलब है कि वो अफराद जिन्हें कभी स्ट्रोक या हार्ट अटैक नहीं हुआ है उनके लिए ये अहम गाइडलाइंस हैं, हिदायत हैं। अगर वो 40 और 59 साल की उम्र के दरमियान हैं और उन्हें कभी आर्जा नहीं हुआ है हार्ट अटैक या स्ट्रोक का, उन्हें चाहिए कि वो अपने डॉक्टर से रुजू करें, क्योंकि उन्हें एक स्मॉल नेट बेनिफिट हासिल है, कैटेगरी सी रिकमेंडेशन है, तो वो बेबी एस्पिरिन ले सकते हैं। जबकि वो अफराद जो 60 साल से ऊपर हैं और उन्हें कभी ऐसा आर्जा नहीं हुआ है, ना हार्ट अटैक ना स्ट्रोक और एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि शरीयानों में चर्बी का जमाव, तो उनके लिए रिकमेंडेशन डी है, यानी उन्हें एस्पिरिन नहीं लेनी चाहिए। मैं दोबारा इस बात को एम्फसाइज करूँगा, इस पर रोशनी डालूँगा, जोर दूंगा कि वो अफराद जिन्हें ये आर्जे पहले से हो चुके हैं हार्ट अटैक स्ट्रोक और वो एस्पिरिन ले रहे हैं, वो उनको अपना इलाज जारी रखें, उनके लिए ये हिदायत नहीं है। और वो लोग जो ऑलरेडी पहले से ले रहे हैं एस्पिरिन वो भी जारी रखें और अपने डॉक्टर से रजू करें। ये हिदायत सिर्फ प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए हैं, यानी वो अफराद जो एस्पिरिन नहीं ले रहे हैं और ना ही उन्हें कोई ऐसा आर्जा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे लिए भी ये वाजह किया और उम्मीद हो कि सारे नाज़रीन के लिए भी वाजह किया है। अब एक सवाल बाकी है कि अगर कोई एस्पिरिन नहीं लेना चाहे, शायद उसको कोई एलर्जी हो या कोई और चीज़ उसको मना कर रही हो एस्पिरिन से, तो और क्या कर सकता है? जी तो इसका अहम सवाल, बहुत 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 उम्दा सवाल है आपका, वो ये कि एस्पिरिन जो है वो एक टूल है, इसके अलावा बहुत सारे और टूल्स हैं ज़्यादा मुअस्सर हैं। मिसाल के तौर पर स्टैटिंस, एस्पिरिन से सिर्फ 10% रिडक्शन होता है, कमी होती है एथेरोस्क्लेरोसिस में, हार्ट अटैक में, स्ट्रोक में, जबकि स्टैटिंस जो कि दवा है लिपिड्स को कम करने की, चर्बी को कम करने की खून में, उस दवा से 20-25% फ़ायदा होता है। लिहाजा स्टैटिंस कहीं ज़्यादा अहम टूल है फॉर प्राइमरी प्रिवेंशन। इसके अलावा एक्सरसाइज है, मॉडरेट वर्जिश या बेहतर खुराक। तो अगर ज़्यादा फ़ायदा स्टैटिन में है तो फिर सब स्टैटिन क्यों नहीं लेते हैं? जी स्टैटिंस जो है वो प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए इस्तेमाल होती है, और डॉक्टर से रुजू करें और अगर आप क्वालिफाई करते हैं, आपके रिस्क फैक्टर्स हैं, तो स्टैटिंस का इलाज शुरू होना चाहिए। बिल्कुल, अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। मेरी उम्मीद है कि ये पैगाम तूल अर्ज़ तक पहुँचे, और मेरी दुआएँ आपकी सेहत के लिए। सब बहुत शुक्रिया।